पायल रोहतगी को लगा हार का सदमा। लॉकअप के फिनाले के बाद हिंदू मुस्लिम वाले पोस्ट को किया शेयर। रियलिटी शो लॉकअप में मिली हार के बाद पायल रोहतगी को जबरदस्त सदमा लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पायल रोहतगी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात लिखी हुई है और पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि पायल रोहतगी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। बीती रात लॉकअप के ग्रैंड फिनाले में मुनव्वर फारूकी शो के विनर बने और पायल दूसरे स्थान पर रही। सभी कंटेस्टेंट्स की तरह पायल भी शो जीतना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बेशक शो न जीत पाने के कारण पायल दुखी हैं, फैंस भी उनके दुख में शरीक हो रहे हैं, लेकिन पायल अब अपना दिमागी संतुलन खोते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि पायल ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट को साझा किया है जो यकीनन उनके फैंस को भी निराश कर सकती है। पीयूष चौधरी नाम के एक यूज़र ने पायल और मुनव्वर को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा है 9 लाख वोट पायल रोहतगी, 40 लाख वोट मुनव्वर फारूकी। पायल कट्टर हिंदू हैं और मुनव्वर कट्टर मुस्लिम। इनके वोट बताते हैं कि मुस्लिम अपने मजहब के प्रति कितने वफादार हैं। मतलब हम ये समझ लें कि अगर भारत में मुस्लिम की आबादी जिस दिन 40% भी हो गई, उस दिन हिंदुओं का पतन शुरू हो जाएगा, भारत सरकार भी हिंदुओं को नहीं बचा पाएगी। पीयूष की पोस्ट को पायल रोहतगी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर साझा किया है। वहीं इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसमें लिखा है, कड़वा है पर सत्य है, हिंदुओं के त्यौहार पर कोई भी मुस्लिम मुबारकबाद नहीं देता, लेकिन हिंदू दोगले ईद पर ऐसे मुबारकबाद देते हैं जैसे उनका ही त्यौहार हो। सोचो, जय श्री राम। ये पोस्ट SK श्री राम समर्थक नाम के एक यूज़र ने की है। इस पोस्ट को भी पायल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर साझा किया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पायल ने लॉकअप में रह रहे हिंदू कंटेस्टेंट्स पर भी अपना निशाना साधा है और अपनी हार को वो हिंदू मुस्लिम के एंगल देना चाह रही हैं, जो उनके फैंस को भी कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हार स्वीकार करने से बड़ा कोई पश्चाताप नहीं होता। टीवी और इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।